बंधुओं, जिस समय मेघ वर्ण मूर्छित हो गए, अब की बार में नंबर आया हंसध्वज का। हंसध्वज बड़ा चतुर निकला। आते ही आते उसने हंसध्वज की नहीं प्रभुताई, पांच अक्षौणी मारी गिराई। हंसध्वज ने पांच अक्षौणी सेना मार के गिरा दी। जब पांच अक्षौणी सेना मर गई तो क्रोधित भयो मणिपुर राऊ। अरे क्रोधित भयो मणिया पूरा राऊ, हंसा ध्वजा पर बाण चलाऊ। अरे रथ सारथी अखी नहीं निदाना, औ हंसा ध्वजा मोरा छिता मैदाना। जेते अबीर सवई बध भये, प्रस के तू सो पारत कहे। मेरे बंधुओं, जब सब बेहोश हो गए तो ब्रसकेतु अर्जुन से कहने लगा, महाराज अब क्या होगा? मेरी राय में तो ऐसा है कि अब जाकर के राजा को हाल बताया जाए, भगवान कृष्ण को बुलाया जाए, बड़ा मामला गड़बड़ है। कहाउ जाई वृत्तांत सब अग्र राधिकारोन, जो तुम जूझे रण विषय कहाई जाई सुधि कौन। अर्जुन ही अकेले रह गए तो ब्रसकेतु कहने लगा, अगर तुम हूं मारे गए तो हुआ खबरी कौन पहुंची, और तुम जो मर गए तो तुम जूझे कुंती दुख पई है। अर्जुन, अगर तुम मारे गए तो कुंती रो रोए मर जाइये, इसलिए खबर कर दे भाई हस्तिनापुर। तुम जूझे कुंती दुख पई है, हम ही साप दय प्राण गमई है। जय जय। तब पारथ यह कहे बखानी, तब देखा है मृत्यु निशानी। ब्रसकेतु पारथ का कर्ण का पुत्र, जब देखा अर्जुन ने तो अर्जुन कहने लगे, कर्ण पुत्र, कर्ण पुत्र तुम शीघ्र सीधाओ, कर्ण पुत्र तुम शीघ्र सीधाओ, अब यह कष्ट जाई समझाओ। अर्जुन ने कहा, जाओ कर्ण पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरे बल पर था लेकिन मुझे मौत दिखलाई दे रही। मोरे बल ही आज्ञ न पकरे, मो पर काल आई अवनियरे, देखन आज्ञ नए नाई पाए। गीद उड़ा रहे हैं अर्जुन की सिर के ऊपर, इसलिए अर्जुन को अपना काल नजदीक दिखाई देने लगा। रोने लगे, छत्री वाह, मोरे बल ही आग न पकरे, मो पर काल आई अवनियरे। देखन आग नयन नहीं पाए, यह बड़ा सोच मोर मन आए। दंड सहस्र छात्र जही लागे, जज भैया कोई चला राजा के आगे। जय भैया, याज्ञ माह दीना नहीं दाना, नपने की न शेष आसाना। बहुत समझाया अर्जुन ने, जाओ जो यज्ञ मैदान नहीं दे, नाना प्रकार के गंगा जल नहीं स्नान, नाना प्रकार के उपदेश कहां तक वर्ण किया जाए भक्तों। लेकिन कर्ण पुत्र कहने लगा, सुनो महाराज,
कर्ण पुत्र तब अस कहो जो रण तजी हम जाही मम प्रपिता मह सरगते टूटी परे भूवि माही। मैं अपने वंश को ले जाऊं ना रही स्वयस सब यही संसारा यही ते भल जो मृत्यु बिचारा ताको जन्म सफल है पारथ जो तन धन देवई पर सारथ तन धन निष्फल ताको गयो पर उपकार विमुख जो भयो पर उपकार विमुख। आज कर्ण पुत्र उपदेश दे रहा है अर्जुन को कि रण में अगर मैं मारा गया भाई भगवान कन्हैया वाला उपदेश सुन रहे हैं अर्जुन क्या बोल रहा है कर्ण पुत्र जीते यज्ञ बढ़ाई पावे अगर मैं इस रण में जीत गया तो युद्ध में मेरी बढ़ाई होगी। जूझे स्वर्ग लोक कहां जावे और मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। उत्तम देह पार्थ परमाना उत्तम देह उत्तम देह पार्थ परमाना मणिपुर नप है तण ही समाना। अनेक प्रकार से समझाया लेकिन कर्ण पुत्र नहीं मानता नहीं जाऊं। तो सारंग बाण हाथ कर लीना सारंग बाण हाथ कह लीना रथ चढ़ी तब ही हाथ तो दीना। और वीर सम हम इन जान और वीर सम हम इन जान अब हम तेरण तुम ही अठान। नहीं माना कर्ण पुत्र चल पड़ा कहने लगा और वीर मुझे मत समझना आओ मेरे सिद्ध करो बाणों पर बाण बरसने लगे। यह कही तीन बाण फटकारा जय जय यह कही तीन बाण फटकारा लगे मणि पति गात भोआरा। सेना कटने लगी मणिपुर राजा की तब संहारी मणिपुर पति मारे बाण प्रचंड सहित अश्व के सारथी काटी किए नौखंड सारथी के समेत नौ टुकड़े कर दिए। कर्ण पुत्र क्रोधित तब भयऊ एक लाख तब बाण ही लयऊ क्रोधित हो गया कर्ण पुत्र एक लाख बाण लिए। पारथ पुत्र कहई तब बैना तो समवीर न देखो नैना। कर्ण पुत्र ने बाणों को छोड़ा बबुरवाहन ने बीच में ही काट गिराया कहने लगा बबुरवाहन वारे कर्ण पुत्र मैंने तुम्हारे समान कोई वीर नहीं देखा। कर्ण पुत्र सर ऐसे मारा पर्वत पवन छाए अंधियारा रवि कुबेर और यम के बाना ते सब कुंवर करे संधाना। मेरे बंधुओं
बाण मारा। एको बाण देवताओं के नहीं छोड़े कर्ण पुत्र ने। लेकर शंभु बाण तब अत्र ही ताते हते पताका छत्र ही। तो ये देखा, तब तो बब्रुवाहन ने लिया एक बाण और मारा। जिस समय बब्रुवाहन ने बाण तो मणिपुर नपति हने अस बाना, कर्ण पुत्र न भकियो पाया ना। मां बाण मारा जिस समय बब्रुवाहन ने तो कर्ण पुत्र आकाश में उड़ गया। रवि मंडल मो पलई का रहे, पितु पिता के दर्शना भये। आकाश में पहुंच गया कर्ण पुत्र, बाबा के दर्शन करी आया। आह धन्य है बब्रुवाहन, तमही वीर वसुधा पर आवा। अब है वीर वसुधा पर आवा, पारथ सुत तब बचन सुनावा। जैसे नीचे उतरा बब्रुवान, बोल पड़ा कर्ण पुत्र से, बिनता सुत जिमि इंद्र बध तैसे हति तुम प्राण। सुनत क्रोध भो कर्ण सुत मारे राज ही बाण। तब मणिपुर पति स्वर्ग ही गए। सूर्य तेज महा छिपी सो रहे, कहते जब ही कीन पयाना, तो सब वीरन देख हो आना। तब फिर गए सूर्य के पाह, अंग अंग तनु जर जर नाहा। पुत्र सुपुत्र कहाई ऋषि आई, हंस ध्वज को बज प्रभुताई। मेरे बंधुओं, कभी आकाश में कभी पृथ्वी में, पांच दिवस लो तब रण कीना। और रायनी दिवस सांसो नाय लीना। पांच दिन तक युद्ध होता रहा कर्ण पुत्र और अर्जुन पुत्र में। मारे बाण जु क्रोध कर मणिपुर पति नरेश, काटी शीश ब्रश के तू कर भय युद्ध कर शेष। अंत में शीश काट लिया ब्रश के तू का। बंधु उठी कबंध अस्त्र तो धरे, सिर पारथ के रथ पर परे, है गए रथ पर दल महे भारे। देखा पारथ रुदन सचारे, हा हा कर्ण पुत्र धनुधारी। सुंदर मुख बलि जाओ तुम्हारी, कुंती नप भाई ही अदुराई। इन सवते का कहीं हो जाई, इन सवते का। अर्जुन रो रहा है, बंधु मैया से क्या बताऊंगा, भैया से क्या बताऊं। बहु प्रकार ते रोदन करही, विविधि भांति विलाप संचरही। हाहरी हाहरी सारथी किन हमारा, आवत को नहीं दोष तुम्हारा। कर्ण पुत्र का बदन निहारी, मोहित भय पारथ धनुधारी। शीश गोद लय मुछे पारथ, रसना रटय श्री पति सारथ। बंधु आज अर्जुन रो रहे हैं,
सारथी मारा गया, कर्ण पुत्र रो रहे हैं। बबुर बाहन ने देखा, रोते रोते मूर्छित हो गए तो बड़ा मगन हो गया बबुर। मूर्छित जाने तात कहा, धनुषई अग्र उठाए, कछु बचन कही मणिपति ही भासत कट सुहाए। सुनिए राजा श्रवण दे, ताको करो बखान, सोच किए का काम है कहूं धनुष करवा। बंधु जब बेहोश हो गए तो मणिपुर का राजा अनेक कटु शब्द बोलने लगा। कैसे बोला? सूझ परत नहीं क्षत्रिय कोई, भय संपायन है लय सोई। बोला है बबुरान, अब कोई ऐसा छत्री नहीं दिखलाई दे रहा है। अभी छत्री छत्री बकवाद हो रही थी सेना में, अब कोई ऐसा छत्री नहीं दिखला रहा है जो घोड़ा ले जाए। एते दल मह हिरन ऐसे, कर्ण पुत्र कहां देखो जैसे। बबुरवान वीरता का वर्णन कर रहा है, सेना में कोई ऐसा जय हो भैया, कोई ऐसा वीर नहीं है जैसा कर्ण पुत्र। तुम छत्री हम वैसे सख्याता, बबुरवान अर्जुन से कह रहा है कि तुम छत्री हो हम वैसे है ना। तुम छत्री हम वैसे सख्याता, करो युद्ध ऐसी कही बाता। तुम छत्री हो ना हम वैसे हैं, आओ जरा युद्ध करो हमसे। बाण धनुष तब कर गहली ना, क्रोधिता हुए रथी चढ़ी सुभकी ना। करी के क्रोध कहा ये पाहा, रे मणिपुर पति जई है कहा। अब तो बड़ा क्रोधित हो गए अर्जुन, रथ पर बैठ ले कहा, ए मणिपुत्र राज अब कहां जाएगा मेरे आगे से। मेरो दल तुमने सब मारा, अब अर्जुन को जोश आया कि मेरो दल तुमने सब मारा, तो ही बधाऊं अब पांडु कुमारा। औरव बहुत बात कही आए, बाण प्राष्टी तो पारथ लाए। अगर मैं अब मैं तुझे मारूंगा और नहीं मारता हूं तो मैं पांडुपुत्र नहीं। आह क्रोधित पारथ वीर तब बाण वृष्टि झरी लाए, रज गज रथ गज है पैदल घने त्रासित सब भहराए। आज चल पड़ी अर्जुन की सेना। मेरे बंधु जरा भी देखें भाव, आज प्रलय काल मचने चल रहा है, अर्जुन अपने पुत्र से लड़ने जा रहा है। प्रलय काल महाशंकर जैसे, पारथ अस्त्र प्रहारत तैसे। पारथ बाण करे संधा नहीं, देखे कोई न मरम ही जाने। छूटत बाण न देखे पायो, तब देखो जब मारी गिरायो। अर्जुन बाण चलाता है, सेना कट के गिर रही, बाण छूटते नहीं देखता है। मणिपुर राजा मरते देखता है सेना को अपनी। तो मणिपुर पति तब भी चले जाइए, पारत लगे कोट महायी। बाण घाव ते गढ़ तब तोरे, सर के घाव का घूरा फोरे। नगर
के बाण वर्षा हो रही है। नगर का सत्यानाश हो रहा है, सेना का सत्यानाश हो रहा है। नगर नारी नर रानी भागी, जय जय सरते पावक पुर में लागी। जब ही पारथ किया प्रभु ताई, क्रोध भाए मणिपुर के राई। मेरे बंधुओं, जब मणिपुर देश की हालत खराब होने लगी, सब त्राही त्राही करने लगे, तब तो बब्रुवाहन को क्रोध हो गया। मारे बाण मणिपुर राऊ, चारों है के लागे घाऊ। बब्रुवाहन ने जो बाण मारे तो चारों घोड़ों के पैर घाव से भर दिए। तीन बाण पारथ को मारे, जय जय तीन बाण पारथ को मारे। एक बाण ते छात्र संघारे, सात बाण मुर छय तब बीरा। सात बाण मुर छय तब बीरा, बीरथ भय पारथ रण धीरा। बीरथ भय पारथ, बब्रुवाहन ने मार मार बाणों के अर्जुन के रथ को विहीन कर दिया। पैदल पैदल हो गए। तब दो जनभूमि महा, तब दो जनभूमि महा, युद्ध करत विपरीत महामारु को कही सके। देखत भय है भी, मेरे बंधु दोनों युद्ध में उतर पड़े पैदल। पारथ ने जेते सर छाड़े, पारथ ने जेते सर छाटे, मणिपुर पति तुरत ही सब काटे। प्रबल बाण तब मार्यो मणिपुर पति भुआर, पारथ तब मोहित भयो भूले घात प्रहार। बाणों पर बाण जब चलता रहा, क्रोधित हुआ बब्रुवाहन, जिसमें बाण चढ़ाया धनुष पर मारा है अर्जुन के। कोपी पार्थ तब बाण चलाए, पै नहीं सकई पुत्र भी चलाए। अरे गंगा साप तुला न्यो आई, तो बिसरा बलया रो बुद्धि नसाई। क्रोध बंत मणिपुर के नाथा, अरे लीन है आराध चंद्र सरहा था। गंगा पैर लय ज्वाला रानी, अरध चंद्र सर आप समानी। गंगा से जो बैर था वही उदार चंद्र में समा गई। अपना बैर निभाने के लिए अर्जुन से वही बाण लय धनुषंधान। तेज मानो द्वादस हुआ भाना, देखत सर पारथ को लाना। लक्ष्य बाण बहु किय संधाना, पावक बाण लगे तब झारन। अरे पैवा बाण लगे नहीं टारन, लाग्यो बाण कंठ महायाई। लाग्यो बाण कंठ महायाई,
तजे कबंध शीश उड़ जाई। मेरे बंधु अर्जुन ने नाना प्रकार के बाणों को चलाया जिससे बब्रुवाहन ने जो बाण लिया है वो कट जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से उस बाण को अर्जुन बाहर न कर सके। बंधुओं, बाण जाकर के लगता है अर्जुन के शीश में, अर्जुन का वध हो जाता है, अर्जुन मर गए। किस दिन, वो दिन कौन सा था? कार्तिक सुदी एकादशी, कार्तिक सुदी एकादशी उत्तरा मंगलवार, सांझ समय जूझे तहां पारथ पांडु कुमार। संध्या के समय अर्जुन का वध हुआ, उनके ही पुत्र ने अर्जुन का वध किया। अर्जुन युद्ध, अर्जुन वध की कथा हम गाई, अर्जुन वध की कथा हम गाई, अर्जुन वध की कथा हम गाई, कन्हैया कैसित दीपक से ठन इसे बनाई, दीपक से ठन अर्जुन वध की कथा हम गाई, कैसेट दीपक सेठ बनाई, कैसेट सुनो सहज चित लाई, कैसेट सुनो सहज चित लाई, द्वारिका सिंह यादव ने गाई। कल्लू यादव कैसेट भरते, कल्लू यादव कैसेट भरते, भक्त मुरारी सेवा करते, भक्त मुरारी सेवा करते, एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय।